आदरणीय हमारे हिमाचल प्रदेश के हेलो आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और मंच पे बैठे सभी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री पद पर बैठे सभी मंत्रीगण और सभी इस प्रेस वार्ता में आए हमारे पत्रकार बंधु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। हमारे लोकसभा की 4 सीटें हैं जिस पर हमने चुनाव लड़ना है और उसी तरह से हमारी जो उपचुनाव 6 हमारे जो विधायक हमारे को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन का सामना करना है। मेरी आपसे करवट प्रार्थना है कि जैसा हमने कभी भी विकास के मुद्दों से हटकर कोई अन्य बात नहीं की, हमने बार बार हिमाचल प्रदेश में हुए विकास के कार्यों को ही लोगों के सामने रखा है। और आप जानते हैं कि अभी पिछले साल हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपदा आई और उस आपदा से निपटने के लिए हमने डटकर उसका मुकाबला किया। हम सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश का वक्त संभाला, आर्थिक तौर से मदद की और जितने भी हमारे लोग बेघर हुए थे उनकी हमने मदद की है, उनको भूमि उपलब्ध करवाई, उनको धन उपलब्ध करवाया, घर बनाने के लिए उनकी मदद की गई है। ये बहुत बड़ा कार्य है। उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें हमारी ध्वस्त हुई थी उन सड़कों को भी हमने दुरुस्त समय पर किया। किसी भी बागवान को शिकायत का मौका नहीं था। हमारे किसान बागवान चिंतित थे कि हमारा मंडी तक माल किस तरह से पहुंच पाएगा क्योंकि हमारे बहुत सी सड़कें इन बाढ़ों में क्षतिग्रस्त हुई थी, तो उनका भी समय पर ध्यान दिया गया और उनको सड़क को दुरुस्त करके हमने ये विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी चुनाव का सामना किया है उन्होंने कोई ना कोई मुद्दे की तलाश की है। आप जानते हैं चाहे वो हमारा आज वो धर्म की बात करें चाहे वो अन्य मुद्दों पर बात करें, हमें केवल मात्र भाजपा के जो हमारे शीर्ष नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पिछली मर्तबा भी बहुत से हमारे चुनावी वादे हमारे सामने रखे थे, उन्होंने प्राइस राइज को कम करने की बात की, उन्होंने युवा वर्ग को रोजगार देने की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने की बात की और आज हम देख रहे हैं कि कितना समय बीत गया परंतु वो किसी भी अपने वायदे पे खड़े नहीं उतर पाए। तो आज भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो विकास का काम किया है उन बातों को लेकर हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि आपने सच्चाई का साथ देना, आपने उन लोगों को चुनकर भेजना जो दिल से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की उन्नति और तरक्की के लिए और बेहतर काम करने का उनको मौका मिले। ऐसा हमने प्रयास किया कि उन्हीं व्यक्तियों को हम टिकट देंगे जो इस कार्य में कई सालों से लगे हुए हैं। इसलिए मैं अब ज्यादा विस्तार पर ना बोलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस पर अपना प्रकाश डालें। okay.
मुकेश जी पहले बोलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी आपसे अपनी बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष, हमारे साथी मंत्रीगण और हमारे विधायकगण और मेरे तरफ के बंधुगण, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश को गुमराह करने में लगे और इस समय स्थिति यह है कि प्रदेश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसको गिराने का एक प्रयास हुआ और उस साजिश का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है और सारा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं ने प्रदेश में साजिश की, प्रदेश में षड्यंत्र किया और प्रदेश में जो जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया था उसको डिफीट करने का प्रयास किया। लेकिन आज ये ऑपरेशन लोटस जो है वो हिमाचल प्रदेश में रिपीट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष, उनको प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने सरकार गिराने का प्रयास किया, हम गिरा नहीं सके। हमने आपको वायदा किया था कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ऐसा नहीं कर पाए और अब स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोई फैक्ट नहीं है आज की तारीख में। नेता प्रतिपक्ष हालांकि लगातार बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अलग मत में है। अब आप बताएं कि और वो ये साबित करें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कहां से अल्पमत में होगी। 6 MLA अनसीट हो चुके हैं, उन सीटों का इलेक्शन हो रहा है। 62 MLA हैं और उसमें 62 में से हमारे पास 34 है, हमारे पास 34 हैं और उनके पास 25 है, 25 है। तो हमारी किसी भी ढंग से हम अल्पमत में नहीं है, हमारी सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह स्टेबल है और इस इलेक्शन के बाद जो है ये पहले से भी ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर लेगी। और ये जो ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने देखा था हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने का, ये अगले 45 महीने जो सरकार के हैं, सरकार तो चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी और कोई भी, हमने पहले भी कहा इस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, कोई साजिश जो है ये देवभूमि है, इस देवभूमि के लोग जो है, कुछ राज्यों में ऐसा होता होगा कि MLA को इस तरीके से जो है लाना और उनको अपने साथ लेना और सरकारें गिराई जाए या खेमे पलटे जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने कतई भी पसंद नहीं किया है इस पूरे एपिसोड को। और हिमाचल प्रदेश की जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, हम फील्ड से आ रहे हैं, फील्ड में लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के, और कोई संशय नहीं है कि लोकसभा की भी हम 4 सीटें जीतेंगे, लोकसभा का चौका लगेगा, हमने 2 सीटें घोषित की हैं अब तक और दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद
भारतीय जनता पार्टी का सांस टूटने लगा है। मंडी में जो हमने कैंडिडेट दिए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, और उसके बाद शिमला से हमने सुल्तानपुरी जी को, विनोद सुल्तानपुरी जी को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को के कैंप में ये चल रहा है कि हम अपनी टिकटें बदलें, हम अपने उम्मीदवारों को बदलें, और उनको समझ आने लग पड़ा है कि जो जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, हमारे कैंडिडेट उनसे बहुत ऊपर हैं, और जो है उनमें जनता का ज़्यादा भरोसा नजर आ रहा है। अन्य दो सीटों पे भी हमारे कैंडिडेट्स आने, और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि बाकी सीटों पे उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए गए। ये घोषणा करना ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हमने कब घोषित करना है, कब हमने 6 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करने हैं। लेकिन यहाँ जीत का चौका हम लोकसभा में लगाएंगे और सारे समीकरण को पलट देंगे, और जीत का छक्का जो है हिमाचल प्रदेश में लगना है विधानसभा में, और इसीलिए भाजपा के लोगों के चेहरे की हवाइयाँ जो है उठती नजर आ रही हैं और उनको पता लग रहा है। इसलिए सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं, और हम पूरे प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले भी हमारी है, सरकार चुनाव के बाद भी हमारी होगी, और फुल टर्म जो है ये सरकार काम करेगी, और जो जनता से हमने वायदे किए थे, और खास तौर पे 2 वायदे जो जिनका मैं उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूँ। हमने कर्मचारियों को ओपीएफ देने का वादा किया था, हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएफ लागू की, और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हम ओपीएफ दे रहे हैं, और प्रदेश के कर्मचारियों से हमारा आग्रह है कि हमने आपके भापे का सहारा जो है आपको दिया है, और आप पूरे वफादारी से हमारा साथ दें, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के कंसेप्ट के अगेंस्ट है, और अगर जरा सा भी इनका कोई मदद करेगा तो ये प्रदेश में ओपीएस बंद करे जैसे ये दूसरे राज्यों में करते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये वायदा है कि इस चुनाव के बाद हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून लाएंगे, कानून लाके भी हम ओपीएस को जो है कानूनन लबादा भी पहना देंगे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किए हैं, हम इसको कानूनन शक्ल भी देंगे कि हम प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हैं, और 1,36,000 कर्मचारियों के परिवारों के बुढ़ापे को हम नजर में रखते हुए उनके उनका हर संभव सहयोग करना चाहते हैं। सेकेंड, जो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की हमने बात की थी, कल ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये लागू नहीं किए, तो उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति की हर महिला को जो है ये पैसा मिल चुका है। उन्होंने कहा बताया जाए कि किस महिला को ये पैसा मिला है। लाहौल स्पीति से हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन की सारे हिमाचल प्रदेश के लिए, और ये महिला विरोधी लोग हैं, ये इलेक्शन कमीशन में गए और इन्होंने हमारी जो मंशा है महिलाओं को 1,500 रुपये देने की उसको जो है रोकने की कोशिश की, और हम अब भी सरकार पूरी तरह चाहती है कि 30 अप्रैल के बाद जो पैसा बजट घोषणा के मुताबिक पड़ना है महिलाओं को, वो पैसा जो है डालने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इसी ढंग का माहौल रखते हैं तब भी जो है अब उससे नेक्स्ट मंथ में महिलाओं को ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो महिला विरोधी काम ये कर रहे हैं, कर्मचारी विरोधी काम ये कर रहे हैं। हमने दोनों
मसले निभा दिए हैं। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि प्रदेश में आज के दिन में प्रदेश में कोई भी लाचार और लावारिस नहीं रहा है, और जितने भी लोग जिनके माता पिता नहीं हैं उनको स्टेट ने अडॉप्ट करने का एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है, और उन सब बच्चों को जो है मदद करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, पॉकेट मनी देने के लिए सरकार ने काम किया है। ऐसे बहुत से मसले हैं जो सरकार ने इस 7.5 साल के दौरान किए, और प्रदेश की जनता हमारे साथ है। प्रदेश की जनता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने बगावत की, जो लोग बाहर गए, आज उनको भी समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी चूक उनसे हुई है। शायद उन्होंने ये नहीं समझा था कि उनकी सीटें चली जाएंगी और उनको दोबारा चुनाव में टूटना पड़ जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे भी जनता पूछ रही है कि आप अगर आज MLA हैं, कल जब दोबारा इस्तीफा दोगे फिर आप क्या बनोगे। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक चक्रव्यूह रचा था, भाजपा उसमें ही फंस गई है कि पहली स्टेट है जहां पे इनका ऑपरेशन लोटस डिफीट हुआ है, और सरकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा स्थिर हुई है, और हमारे 34 के 34 लोग एक चट्टान की तरह आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि 4 लोगों से हम संपर्क में या 6 लोगों में संपर्क में है। तो वो समय अब चला गया। अब तो मैं कहता हूं कि जिस ढंग से सदस्यों की मेंबरशिप गई है, पड़ोसी राज्यों में भी कोई जो है ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि जिस ढंग से मेंबरशिप MLA की गई है या दूसरे MLA चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, हम 34 जो है पूरी तरह कंसोलिडेटेड है, पूरी तरह एकजुट है। हमारा एक एक MLA जो है पार्टी के स्थिरता के लिए काम कर रहा है, और चुनाव के बाद हम सारी सीटें जीत के जो है एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार चलाएंगे। और BJP के पाप का घड़ा भर गया है, उनका भंडा पूर्ण हो गया है। और आप चाहे आप देख रहे हैं कि जयराम जैसे नेता जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कंगना रनौत जैसी नेत्री से करवाना पड़ रहा है कि ये 4 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 4 कभी नहीं आएगी, वो 4 अब आने से रही। अब जो है ये सरकार यही चलेगी, और जितने अगले 45 महीनों में 4 आएगी, उस दिन उनको जरूर याद करवाया जाया करेगा कि आज फिर 4 है। और ये जो हमारे 45 दिन है, 45 दिनों का हमारा कंपेन चलेगा। कंपेन के जो इश्यूज है वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको एलाबोरेट करेंगे कि प्रदेश में, लेकिन ये स्पष्ट है, ये प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से बार बार कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी रहेगी, आप सब हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। और जिन शक्तियों ने प्रदेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, उनको जो है प्रदेश की जनता को इस चुनाव के माध्यम से सजा देने का समय आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ब्रीफ करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, पत्रकार बंधु, सबको नमस्कार। 45 के बाद आप सबको लोकतंत्र के उस पर्व में शामिल होंगे, जिस लोकतंत्र ने 15 महीने पहले कांग्रेस की सरकार जनता के वोट से चुनकर कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार ने सभी चुनौतियों का सामना युद्ध की तरह किया। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर आई, खजाना खाली था, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने कंगाल करके रख दिया। उस अर्थव्यवस्था में हमने सुधार किया, और 20% के करीब इस अर्थव्यवस्था में जब सुधार हुआ
और 2200 करोड़ के सामने राजस्व पैदा किया। दूसरी चुनौती आपदा के रूप में आज इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी और इतनी बड़ी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। प्रदेश की कोई स्पेशल पैकेज ना मिलने के बावजूद भी हमने उस चुनौती का सामना किया और उस चुनौती का जब हमने सामना किया तो 2 महीने के अंदर हमने प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा किया और अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज किया। और जो काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिलती थी 1.5 लाख रुपया मिलते थे हमें केंद्र से नहीं मिले, लेकिन हमने आपदा प्रभावित 22,000 परिवारों को बसाने के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिए और आपदा राहत राशि को उनके पक्के घर जो टूट गए थे बनाने के लिए हमने 7 लाख रुपया की राशि उनको दी। पशु शालाएं गई, बह गई, जहां भी जो भी समस्या आपदा के तहत समय आई और सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। आपदा के समय जहां केंद्र सरकार ने भी कोई आर्थिक सहायता स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया, लेकिन प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों ने, पेंशन भोगियों ने, कर्मचारियों ने, किसान ने, माताओं ने, जो भी उनसे बनता था उन्होंने इस आपदा राहत कोष में हमें दान दिया और एक ऐतिहासिक दान हमारे पास 200 करोड़ रुपए के रूप में हमारे पास आया। इसके अलावा हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। पहली पुण्य की योजना हमने, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री सुभाष योजना शुरू की। ये हिंदुस्तान की पहली योजना है जहां माता और पिता के खोने के बाद 27 साल तक बच्चों की पूरी शिक्षा का, पोस्टिंग का, कोचिंग का, पॉकेट मनी का, साल में एक बार देश के अंदर घूमने का, घर बनाने का और घर बनाने का और जमीन उपलब्ध करवाने का, इस योजना के तहत हमने कानून बनाया और उसका फायदा 4,000 के करीब लाख बच्चों को मिलना शुरू किया। उसके बाद हमने कई और योजनाएं शुरू की जिसमें जो विधवाएं हैं उन विधवाओं के बच्चों को फ्री एजुकेशन, यानी कि पहली क्लास से लेकर जब तक वो 27 साल की उम्र तक पढ़ना चाहता है, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे कोई भी कोचिंग कोर्स शुरू करना चाहता है, उसकी पूरी शिक्षा का खर्चा जो विधवा बहने हैं, माताएं हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से उपलब्ध करवाया। 70 साल से ऊपर की जो भी बुजुर्ग है, चाहे वो 70 साल की उम्र पार करने के बाद, हमारी सरकार ने इस साल बजट में यह प्रावधान किया है कि उनको किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हमारी सरकार उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में हमने बजट में प्रावधान कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में 15 महीने में हमारी सरकार ने 2 प्रमुख लक्ष्यों को ध्यान में रखा, एक सामाजिक सुरक्षा का और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि पहली बार ऐसा है कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो मनरेगा की शुरुआत की थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार नीति, उसमें जो मनरेगा के तहत मजदूर काम करते थे, हर पंचायत में काम करते हैं,
उनकी जो दिहाड़ी थी वो 240 रुपये मिलती थी, हमने 1 अप्रैल 2024 से उसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया और 1 मई में जो अभी लगे हुए हमारे मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश में जितने भी पंचायतों के द्वारा काम कर रहे मजदूर लगे हैं उनको 1 मई में से 300 रुपया प्रति माह प्रतिदिन का मिलेगा। इसके अलावा हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने गाय के दूध का जो रेट है वो 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और भैंस के दूध का 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया ताकि गांव में रहने वाला जो किसान है, गांव में रहने वाला जो पशुपालक है वो दूध को बेचकर भी अपनी आय को बढ़ा सके। यही नहीं, हम हिंदुस्तान के पहले ऐसे राज्य बने जहां हमने प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाला जो गेहूं है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और मक्की का सपोर्ट प्राइस 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से निर्धारित किया, क्योंकि हमारे यहाँ प्राकृतिक जलवायु बहुत अच्छी है। अगर कोई प्राकृतिक खेती की तरफ जाएगा तो उसके आय के साधन भी हमारे गांव में जो व्यक्ति किसान रह रहा है उसके बढ़े। ये सब चीजें 15 महीने में हमारी सरकार ने की। उसके बाद हमारी सरकार ने सरकार बनने से पहले कुछ त्रुटियां के साथ, मैं आज भी देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जयराम ठाकुर जी या राजीव बिंदल जी झूठ बोल रहे हैं गारंटियों को क्या होगा। हमने तो पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाया। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना के तहत कि हिमाचल ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित हो, हिमाचल की जलवायु के हिसाब से हमने स्टार्टअप योजना बनाई और हमने दूसरी गारंटी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना की पूरी की। हमारी शिक्षा का स्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी की सरकार 5 साल जो गुणात्मक शिक्षा है उसमें 18वें स्थान पर हम गुणात्मक शिक्षा में पहुंच गए। हमारी सरकार ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि जयराम जी की सरकार जो थी वो स्कूल खुलवाने में विश्वास रखती थी, वह अध्यापक होना हो लेकिन स्कूल खोलना चाहिए ताकि मैं उसका राजनीतिक लाभ उठा सकूं। हमने उस पर ध्यान दिया, कमियां ढूंढी और कमियां ढूंढने के बाद इस अकेडमिक सेशन में जो मार्च में भी शुरू हो चुका और जून में भी शुरू होगा निचले क्षेत्रों में सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी। और जो टीचर है ये भी पहली बार हुआ कि उनको हम एक्सपोजर टूर के लिए बाहर भेज रहे हैं, सिंगापुर भेज रहे हैं या और दूसरी कंट्री में जेल भेज रहे हैं। तो ये सब योजनाएं शिक्षा से संबंधित थी। उसके बाद जब हम योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे और बजट प्रस्तुत हुआ तो राजनीतिक चुनौती है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो हिमाचल की जनता को यह फैसला करना है कि क्या जो आपके वोट से चुनकर आए हुए विधायक थे जो टिकाऊ होंगे और जो लोकसभा की 4 सीटों में चुनाव होने जा रहा है, क्या ये चुनाव जनता की भावना और जनता के वोट से हो
तो जो बिकाऊ लोग हैं, एक जून को हिमाचल की जनता ने जरूर सबक सिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के वोट से जीतकर चुनी हुई सरकार आई, 15 महीने में जिसने समाज कल्याण के और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किए, भ्रष्टाचार पर चोर की और भ्रष्टाचार पर चोर करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का राजस्व की उगाही हुई, उस समय हिमाचल की जनता को यह फैसला करना है कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें जो खरीदने वाली पार्टी है और जो बिकने वाले विधायक हैं उनको सबक सिखाना। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, अगर हिमाचल की जनता ये ठान ले, क्योंकि हम देवी देवताओं में विश्वास करने वाले लोग हैं, देव संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर हिमाचल की जनता ये ठान ले कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसों का इस्तेमाल करके जो राज्यसभा की सीट चुराई है, जनता अपने वोट की ताकत से चारों लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में करेगी, यही उनको सच्चा सबक है। ये लोग मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। अगर 15 महीने की सरकार की कार्य बनाने की कोई अगर योजना देखें, ये पहली सरकार है जिसने एक साल में 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए, ये पहली सरकार जो कोर्ट में फंसे हुए 5-5 साल से JOIT के केसेस थे उनको कोर्ट से भी जीता और उनको सेटल भी किया, अब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो गए। ये पहली सरकार है जहां अभी तक 15 महीने में 1500 को नौकरी भी मिल चुकी है और ज्वाइन भी कर चुके हैं, अगले 15 महीने में 20,000 लोगों को रोजगार देना और 1500 ज्वाइनिंग दे दी गई है, जिसमें 6,500 लोग बैच वाइज भर्ती के माध्यम से और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं, 10,000 के करीब लोग जिसमें पंप ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मल्टीपर्पज वर्कर है, फीटर है, तकरीबन IPS डिपार्टमेंट में भरे जा रहे हैं, 2,061 वन भर्ती वन मित्र भर्ती भरे जा रहे हैं, 984 पटवारी भरे जा रहे हैं, तकरीबन 100 के करीब एक्साइज डिपार्टमेंट में भरे जा रहे हैं, 1,500 कुछ लोग पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती में भरे जा रहे हैं, और जो भर्तियों में घोटाला भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी, पुलिस पर भर्ती का पेपर भी लीक हुआ, उसका पेपर भी बेचा गया, हमारी सरकार ने जो नौकरियों में भ्रष्टाचार फैला था और जिस सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से नौकरियां बिकती थी, हमारी सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे भंग किया, और भंग करने के बाद मुझे खुशी है कि वहां अभी वहां द्वारा से राज्याचार्य नियोग का गठन करने के बाद अब वहां भी नियुक्तियां और चयनियों के द्वारा नियुक्तियां शुरू हो गई है, वहां भी अब एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं। तो जयराम ठाकुर जी से कुछ सवाल है, आप बार बार एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, आप चुना कर सरकार बनाना चाहते हो, वहां तो सफल नहीं हुए, जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, हमारे मैडम ने कहा, चुना कर आप सरकार बनाना चाहते हैं, जो बिक गए, जो ईमान बेच चुके हैं वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो बिकाऊ है कि वो जनता का सेवक हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 जून को जब परिणाम आएगा, निश्चित तौर पर 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब से उसकी सरकार बनी है ईमानदारी से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सेवा करने का प्रयास किया है, किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए और उसके हाथ में पैसा आए, उस दृष्टिकोण से 15 महीने में सरकार ने उसके लिए कार्य किया है।
महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हमने की, महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 साल से बढ़ाने के लिए हम कानून लाने वाले हैं और 1500 रुपया प्रत्येक महीना तकरीबन हमारी 9 लाख महिलाओं को जब मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं स्वाभिमान से और आत्म सम्मान से अपना गुजारा करेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। 1500 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक स्वाभिमान होता कि हमारे को सरकार की तरफ से इतना 1500 रुपया हर महीने मिलेगा, साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस उसके शरीर में है। और ये योजना 1 मई 2024 से स्पीति में शुरू हो चुकी है। वहां स्पीति की महिलाओं को 15,000 रुपया मिल चुका है। 1 फरवरी 2024 से लाहौल में शुरू हो चुकी है और लाहौल में शुरू होने के बाद वहां सभी महिलाओं को पूरे जिले में 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई कर दिया गया और नोटिफाई करने के बाद 2,37,000 महिलाएं जिन्हें 1100 रुपया पेंशन मिलती थी या 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनको 2,37,000 महिलाओं को भी 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो यहां नेता है और जिस सोच और नियत से वो कार्य करना चाहते हैं, ओपीएस को बंद करना चाहते हैं, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की, राजस्थान में पहली कैबिनेट में ओपीएस वापस की, हमने 1500 रुपया देना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए, हमारी बहनें फॉर्म भर रही थी, हमारी माताएं फॉर्म भर रही थी, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की ये ऑन गोइंग योजना है, इसका इसमें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता और जितनी भी महिलाएं वो अपने फॉर्म जमा करवा सकती है, भर सकती है, अगर वो उनके पास नहीं जमा करवाने तो अपने जो स्थान हमारे जो विधायक है उनके पास जमा करवाइए, स्थानीय लोगों के पास जमा करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी इसको जितने भी रोकने की कोशिश करेगी, हम मार्च अप्रैल का भी पैसा देंगे, मई का भी देंगे और अगर इन्होंने हमारा रोका तो हम जून में इन्हें 3,000 रुपया इकट्ठा देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि ये योजना रुक नहीं सकती, जिस तरह किसान सम्मान निधि प्राइम मिनिस्टर की योजना है उसका पैसा डाला जा रहा है और हमारी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि का पैसा रोकने की भारतीय जनता पार्टी कि अगर चुनाव योग से इस प्रकार की काम करती है तो हमारा सरकार उसका विरोध करेगी। तो पूरी महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे, ये तो अभी शुरुआत है। समाज के कई और वंचित वर्ग हैं, समाज के कई लोग और हैं। ये पहली सरकार है जिसने दिव्यांग लोगों की उच्च शिक्षा के लिए सोचा, उसके लिए संस्थान बनाया। ये पहली सरकार है जिसने विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई को फ्री शिक्षा के लिए सोचा। किस क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश में काम हुआ, आर्थिक चुनौती थी, हमें कर्ज लेने की लिमिट लिमिट में कैपिंग कर दी, इस हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने सिंचाई योजनाओं का 15 महीने में जाल बिछाया, हमने सभी विभागों में बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने तय करना है, अगर वो आकलन करेंगे तो जयराम ठाकुर जी जो 5 साल हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगे रहे, वो भी मैं ये कहना चाहता हूं उससे योजनाएं बनाते तो अच्छा होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत हो रहिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है और पूरी मेजोरिटी की सरकार है।
अब सपने कोई दिन में देख ले तो उस बीमारी का इलाज तो अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब कोई दिन में सपने देख ले, और हमने दो प्रत्याशी दिए, दोनों युवा प्रत्याशी दिए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है, वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों से ध्यान बांट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपद्र भाषा से परहेज करना चाहिए, मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार के काम का काम गुजारी पर बात कीजिए। हमारे मंडी सत्र से हमने युवा प्रत्याशी श्री विक्रम मित्तल जी को दिया, जिन्होंने आपदा में अगर मंडी में बाढ़ आई, कुल्लू में बाढ़ आई, हर सड़क के पास खुद जाकर निरीक्षण किया, लोगों के बीच रहे, और 48 घंटों के बीच हमारी सरकार ने सड़क भी बांध किया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं खुद सड़कों में आपदा के समय हम अपना रोड खिलवा रहे थे। कितने शिक्षा संस्थान थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई तो उन शिक्षा संस्थानों को खोला। तो मंडी की आपदा में जो जनता के साथ खड़ा हुआ हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रम आदित्य सिंह जी, लोगों को बात याद रखनी चाहिए किस तरह उनका सेब मंडियों में पहुंचा। दूसरे भी हमने युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दिए, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के सांसद के रूप में लोकसभा में हिमाचल की आवाज को उठाया है, और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रत्याशी आपको दो देखने को मिलेंगे। हम चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल की जनता से ये मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट को चुराया है, आपके हाथ में ताकत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है, कि ऐसे तानाशाही ताकत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आप एक राज्यसभा सीट की चुराई सीट से चारों लोकसभा को जीतकर भेजेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा, और लोग जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोई द्वारा हिम्मत नहीं करेगा। यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। महिलाओं को राजनीतिक कार्यकर्ता के ऐलान किया चुनाव से पहले की थी और क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो कुछ नहीं करेगा जितना आपने। देखिए सब हमारे सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लाहौल स्पीति में मिलना किया चुनाव से पहले नहीं है, बजट था चुनाव की तो 16 मार्च को घोषणा हुई, हमने तो 1 मार्च को इसकी घोषणा कर दी है। और बजटेड स्कीम है, किसान सम्मान निधि के तो 2-2 हजार रुपया अभी जा रहे हैं, वो तो साल में 6 हजार रुपया दे रहे हैं। हम प्यारी महिला सम्मान निधि का 18 हजार रुपया दे रहे हैं, 3 गुना दे रहे हैं, 9 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। अब सरकारी महिलाओं को तो नहीं मिलेगा ना, जो इसलिए जो भी है ये सब मिलेगा। वो अभी इसको रुकवा सकते कि दिल्ली के प्रेशर में रुकवा सकते हैं, लेकिन वो सोचिए 1 अप्रैल एक एक अप्रैल को भी मिलेगा, 1 मई को भी मिलेगा, 1 जून को मिलेगा, 1 दिसंबर तक मिलेगा, और 18 हजार रुपया साल का मिलेगा। अभी तो ये योजना है, आने वाले समय में समाज के और वर्ग भी है, उनको भी सबको सम्मान मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है वो राजनीति के लिए अच्छे नहीं है, और जिस प्रकार के वो सत्ता पैसे के दम पर हथियाना चाहती है वो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। सर, पीएम कह रहे हैं 2024 लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य 2047 है। देखिए अभी तो हम हिमाचल की बात करेंगे, जब यहाँ आएंगे तो उनके साथ उसी बात का काम करेंगे। बात करें हमारी इस बारे में, हमने हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जगत नेगी जी के नेतृत्व में गए थे और हमने उनको रिप्रेजेंट किया है, और वो तो देने ही पड़ेंगे, वो रोक नहीं सकते, वो तो देने ही पड़ेंगे। अब उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने जो फॉरम रोकने पर बैन किया था, हमने वो भी कहा है, और हम चाहेंगे कि वो जो फॉरम है वो जो हमारी महिलाएं उनके रोक दिए गए थे उसकी भी शुरुआत की जाए। सर, कांडा और जल्दी हो जाएगी, बता रहे हैं।
सर हमारी सरकार और मंत्रिमंडल की जो 15 महीने की कारगुजारिश रही है वो हम जनता की अदालत के बीच में ले जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो कंगाल खजाना दिया हमारे उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उसमें व्हाइट पेपर जारी हुआ, उसमें पूरी डिटेल विधानसभा पर ले की गई है। उस चुनौती का हमारी सरकार ने सामना किया और आज देखिए हम डीए भी दे रहे हैं, हमने डीए भी दे दिया और एरियर भी दे दिया। ठीक है थोड़ा कम मिला है लेकिन आने वाले में हम एरियर भी पूरा देने के कर्मचारियों को लिए, किसान को भी दे दिया, महिलाओं को भी दे दिया, सबको दिया। अगर 15 महीने में सब चीजें हम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की हम 2027 तक कोशिश कर रहे हैं और 2032 तक, मैं बार बार कहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।